What is up, crazy people out there? This is Abhirup. Welcome to the vlog. और आप जैसे की तरह से देख रहे हो ये vlog के thumbnail और title से आपको समझ गया रहेगा कि ये video किसके बारे में होने वाली है. Basically कुछ दिनों पहले मैंने कुछ चीज़ें upload की थी इस community post पर भी और Instagram पर भी कि मैं एक herping tour रख रहा हूँ. अभी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि herping क्या होता है. Herping is basically getting into forest and फाइंडिंग आउट साइटिंग आउट बेसिकली रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. और इसी के साथ साथ हम लोग सिर्फ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस नहीं बल्कि छोटे मोटे और भी जो एनिमल्स दिखते हैं जैसे कुछ मैमल्स हो गए. ऐसा ज़रूरी नहीं कि छोटे मोटे ही दिखें, कुछ बड़े भी दिख सकते हैं. तो ऐसी सारी चीज़ों को मैं बहुत बार मतलब खुद से ही चाहता हूँ और इस बार मैंने सोचा कि चलो आप में से कुछ लोगों को लेके जाए और इसी तरीके से मैं लोगों को लेके आया हूँ. अभी नहीं बट मैं थोड़ा सा जल्दी आया हूँ. यूजुअली हर्पिंग दिन में भी होती है रात में भी होती है, बट रात में जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है क्योंकि रात में नॉक्टर्नल स्पीसीज़ के वॉकिंग या फिर मूवमेंट ज़्यादा रहती है. और सेकेंडली ये जो ड्यूनरल स्पीसीज है वो थोड़े लेस एक्टिव रहते हैं, तो दोनों तरीके से थोड़ा सी स्पॉटिंग ज़्यादा हो जाती है. सो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ, थोड़ा सा पहले रेस्ट करने को. रात में सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो लोग आएंगे, मैं उनसे भी तुम सब लोग को रूबरू कराता हूँ कि कौन से आप लोगों में से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है और कैसे लोगों को मतलब जो लोग आने वाले हैं. सो या राइट नाउ आई एम इन टू फॉरेस्ट डीप इन साइड. यहाँ पर एक स्टे है, बहुत क्रेजी सी जगह है. ये होटल का नाम है अशोक होटल करके एक होटल है. माथेरान में हूँ मैं अभी फ़िलहाल, वेस्टर्न घाट्स में. एंड या आई मीन इट इज़ प्रिटी क्रेजी. पीछे अगर तुम लोगों को कुछ शोर आ रहेगा तो वो स्टे वाले लोगों का, वहाँ पर और कोई भी कोई लोग है जो रुक रुके हैं तो उनका भी शोर हो रहा है. बट या आई मीन ये छोटी सी चीज़ है जो सब लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी तुम ऐसे कोई एरिया में आते हो थोड़ी आवाज़ वगैरह कम करनी चाहिए. सो ठीक है, कोई सीन नहीं है. आगे की सारी डिटेल्स जैसा भी ब्लॉग जा रहा है वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताते जाऊँगा. बट लेट मी टेल यू गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको ढेर सारे सांप दिखने वाले हैं, ढेर सारे जानवर दिखने वाले हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है. सो प्लीज़ इसको स्किप मत करो, पूरी देखो, ये जर्नी को पूरी देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. ऑल्सो अभी का आइटनरी ऐसे रहने वाला है कि अभी जाके मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगा और शाम को उठूँगा. अभी कितना बज रहा है? कुदरत में आके बहुत सुकून बहुत मज़ा मिलता है. ये यहाँ पर आई विश कि ऐसा कोई तो एक मेरा भी कभी फ्यूचर में कोई घर रहे. बहुत ब्यूटीफुल सा घर है यार, ये मिल जाए ज़िंदगी में तो मस्त एकदम. मैं हमेशा इस जंगल से बाहर ही ना निकलूँ मैं तो. सो यहाँ अभी फ़िलहाल थोड़ा सा चिल कर अब मैं जाके सोने वाला हूँ. और बहुत सही जगह है ये, सही प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी तुमको थोड़ा सा बताता हूँ. अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये वीडियो रुका था और आगे जाता हूँ. जैसे जैसे चीज़ें होती है वैसे वैसे तुमको बताऊँगा स्टोरी लाइन के हिसाब से. बट बहुत मज़ा आने वाली है. पीस अपने पे टॉर्च मारो, अपने अपने पे टॉर्च मारो, हाय बोलो. बहुत स्कैरी हो जाएगा बट वी आर स्टार्टिंग द हर्प राइट नाउ. मैंने मेजर वाला बहुत सारा पार्ट फिलहाल मिस कर दिया क्योंकि थोड़ा सा टाइम लैग था ऑब्वियस. तो टाइम लैग वाले लोगों, जरा टाइम लैग वाले लोग हाथ दिखाओ किसके किसके वजह से टाइम लैग हुआ है. तो एक वाइन स्नेक अभी जस्ट स्पॉट हुआ है. वॉइस लोग इट्स मूविंग हियर. या अच्छा कलर है इसका, है ना? इट्स अ गुड कलर एशियन. तो कुछ लोग इसका फोटोग्राफी निकालो तब तक. देयर इज आल्सो अ पिट वाइपर विद इन नेक्स्ट 5 to 10 meters. क्या बोलते हैं? तो मैं जस्ट उसको पिट वाइपर स्पॉट ही किया और उसने कैसे उन्हें मुझे आवाज दिया. राइट में ये देखो यहाँ पर. यस 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 यस. तो जो फ्लायर का जो पोस्टर था उसके ऊपर ये सांप था. यही मॉर्फ का सांप था. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीसीज फॉर हर्पिंग ट्रेल्स. ठीक है, दिस गाइस कैन गेट अप टू 3 to 4 feet लॉन्ग. इट इज़ अ वेनमस स्पीसीज, इट इज़ अ पाइथन स्पीसी, इट इज़ अ वाइपर स्पीसीज. ठीक है, पिट वाइपर्स जनरली आर्बोरियल है, पेड़ों के ऊपर रहना पसंद करते हैं. हीमोटॉक्सिन्स वेनम है इसके अंदर. उसको मतलब इतनी वाइब्रेशन आ रहे हैं ना कि वो समझ नहीं पा रहा. मतलब माथेरान को मैं इतना ट्रेल इसके लिए लेके आता हूँ कि इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल. और जब मैं बोलता हूँ हर एक ट्रेल अलग रहती है तो अलग रहती है. यू गाइस आर स्टेडी रहना है, स्टेडी रहना है सब में.
सबने स्टेडी रहना एकदम स्टेडी डोंट मूव देम वाओ ओके अभी जिसको इसको फोटो निकाल लेना एक एक करके पास में आएंगे स्लोली विदाउट स्टेप्स जा डोंट फोटो सब लोग ये वाले पेड़ के पीछे आओ इधर आओ भाई शॉट मिला अच्छा ठीक है जिसको फोटोग्राफ चाहिए वो उधर पे चलेगा लेट फाइन सी एक ही टॉर्च काम है ये भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा बिना जहरीला सांप है और जैसे सर हर्पिंग का ट्रूल सब लोग हाय बोलेंगे हाय यस तो अगर आप सभी को ज्वाइन करना है तो हम लोग नेक्स्ट हर्पिंग ट्रूल सभी वापस रखने वाले हैं अगेन टॉकिंग अबाउट द पाइथन दिस गाय कैन गेट अप टू 18 फुट लॉन्ग एक 18 फुट का पाइथन लेपर्ड डियर्स एलिगेटर्स क्रोकोडाइल्स खा सकता है बट कभी भी कोई इंसान को खा नहीं सकता क्योंकि वो उसके कॉलर बोन नहीं तोड़ सकता कोई तो पूछ रहा था रेयर क्या है इसको मराठी में गौत्या बोलते हैं ठीक है ग्रास स्नेक भी बोलते हैं इसको साइड मूव साइड यूजुअली टोड्स वगैरह खाता है क्या खाता है टोड्स तो वो अपन ने थोड़ा टाइम पहले टोड देखा ना हाँ। वो टोड के पीछे ही आ रहा था मुंह पे मत मारो लाइट हां मस्त साइज है रे अलीबागला अपन भेटला एवढा मोठा नव्हता तो दुसऱ्याला मैंने एक बार वर्ली में पकडला था इतना साइज हां ओके वी हैव स्पॉट अ ब्यूटीफुल ग्रीन किलबाग दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रास स्नेक बिना जहरीले होते हैं ये टोड्स के शिकार में अक्सर हम लोग को यहाँ पर आते हुए दिखते हैं सो इस डायरेक्शन में ही वो जा रहा था सो फॉर सम फोटोज हम लोग उसको बोले कि चलो ठीक है सो ब्यूटीफुल नॉन वेनमस स्नेक बट जो जो लोगों को नहीं दिखता है वो तुम लोग ने देख लिया आज spot another striper is this right here this guy yeah. here is a semi adult bahut beautiful hai aur wo ambush lene ki koshish kar raha hai abhi jab hi wo snake jis position mein baitha hai uske samne agar koi frog ya toad aayega to usko fatak se pakad lega wo hunt par hai right now aur bahut healthy aur bahut beautiful hai iske upar ke patterns bhi bahut alag hai so yeah crazy herb going on man crazy herb one of the craziest sickest herb फोन है ना 232 हो रहा है अभी कितना दिख रहा है पता नहीं बट या बारिश जस्ट स्टार्ट हो रही है 5 मिनट का ब्रेक है एंड वी जस्ट स्टार्ट हॉपिंग इसके इसके पैंट में फ्रॉग घुस गया था टेल अस योर एक्सपीरियंस प्लीज वो स्लाइमी सुपर सुपर स्लाइमी शी प्रेफर्स फ्रॉग्स शी प्रेफर्स लीचेस ओवर फ्रॉग्स दुर्वा के अभी देख के अभी तक दुर्वा से ठीक है एक मिनट
अनबेरेबल पेन देणार 5-6 डेज पर्यंत जे इलेक्ट्रोलाइट्स कमी होतात पट्टे कोणता स्कॉर्पियन दिस इज नोन एज हेट्रोमेट्रस Alright guys, this is the 10th wine snake of the herb and the herb is still on. फर्स्ट पॉइंट जो था ट्रेल का कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ऐसे इतने टोटल 3 पॉइंट्स है, बट लेट्स सी लोगों के और कंटेस्टेंट्स के स्टैमिना के ऊपर भी चीज़ें बहुत मैटर करती है। भाई लोग तो फुल एकदम मज़े में तो लग रहे हैं, या आई मीन लेट्स चेक सेकंड पॉइंट पे इनकी हालत देखते हैं। चलो इनको थोड़ा टाइम बैठने दो, ऐसा तो अभी चलते रहेगा तो कभी तुम बैठो कभी हम बैठे। बैठा बैठी है, चलो बाप नहीं, अरे बाप रे नहीं वो अच्छा, इसके पैटर्न थोड़े से ज्यादा डोमिनेंट है। गाइस इफ यू वांट टू क्लिक जस्ट मेक श्योर कि नीचे कुछ नहीं हो। जा आमी पकड़ दूं, पकड़ पकड़ूं क्या होइल तो इसी तरह ये है तीसरा पढ़ाव आज के हरपिन का, और सबके चेहरे के जो एक्सप्रेशन भावनाएं हैं वो अंदर एंथुजियाज्म तो बहुत है और करने का बॉडी जवाब दे रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट हरपिन वीडियो के अंदर। और मैं ये वीडियो यहाँ पर एंड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे जाकर आराम से करते हैं। चेकलिस्ट वगैरह देखिए, साथ में पिक्चर्स देखिए, अच्छे खासे ये लोग के पास भी बहुत अच्छे पिक्चर्स आए हैं। प्लीज़ यार सब लोग ग्रुप पे शेयर करना अच्छे से, कंटेंट अच्छा हो। That's it for today. Thank you. Nothing can stop me, I'm all the way.